हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर। दोस्तों, इंडिया और यूके के बीच कई ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनके अंडर दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सी चीजों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, और इनमें से ही एक चीज है स्टील, जिसे इंडिया काफी ज्यादा अमाउंट में यूके से इंपोर्ट करता है। अब ये तो जाहिर है कि जहाँ बिजनेस रिलेशंस होंगे, वहाँ नेगोशिएशंस और डिस्कशंस की जरूरत पड़ेगी। यही सेम केस इंडिया और यूके के साथ भी है। हाल ही में इंडिया ने WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अंडर यूके से इंपोर्ट किए गए 250 मिलियन डॉलर्स की चीजों के ऊपर रिटेलिएटरी कस्टम ड्यूटीज इंपोज करने का प्रपोजल दिया है। पर ये प्रपोजल सिर्फ उसी सिचुएशन के लिए है जब कंपनसेशन को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। इन केस अगर दोनों कंट्रीज कंपनसेशन को लेकर किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाती है, तो फिर ऐसी कस्टम ड्यूटीज इंपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से कस्टम ड्यूटीज को इंपोज करने की बात आ कहां से गई? तो बता दें कि यूके ने स्टील प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी है, जिसकी वजह से इंडिया बदले में ये कस्टम ड्यूटीज इंपोज करना चाहता है। इंडिया ने WTO में भी यूके के 2024 तक के लिए सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स पर सेफगार्ड ड्यूटी और कोटा रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के मुद्दे को उठाया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज पहले ही क्लियर करके रखी है कि उसे इस सेक्टर में ट्रेड करने में काफी इंटरेस्ट है। अगर WTO की माने तो इंडिया ने यूके को भी अपने कंसर्न्स के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने जो सेफगार्ड मेजर्स एक्सटेंड किए हैं, वो ना सिर्फ ग्लोबल ट्रेड प्रोविजंस को बल्कि WTO के सेफगार्ड्स को लेकर एग्रीमेंट्स को भी वॉयलेट करते हैं। उन्होंने अपने सबमिटेड कंसर्न्स में ये भी मेंशन किया है कि उसे इस एग्रीमेंट के अंडर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। हालांकि सेफगार्ड मेजर्स को लेकर यूके इंडिया से डिसएग्री करता है, और उस टॉपिक पर दोनों कंट्रीज के व्यूज में काफी डिफरेंस, पर फिर भी यूके इंडिया के साथ कंपनसेशन को लेकर डिस्कशन करने के लिए रेडी है। इंडिया ने WTO को जो रिक्वेस्ट भेजी है, उसके अकॉर्डिंग अगर कंसल्टेशन के 30 दिनों के अंडर दोनों कंट्रीज के बीच कॉम्पनसेशन को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर इंडिया के पास कंसेशंस को सस्पेंड करने और दूसरे ऑब्लिगेशंस को इम्पोज करने का पूरा राइट है। और ये सस्पेंशंस या ऑब्लिगेशंस तब तक चलते रहेंगे जब तक यूके ने जिन सेफगार्ड्स को एक्सटेंड किया है उन्हें हटा नहीं देता है। Thanks for watching and please like, share and subscribe our channel. And don't forget to press the bell icon so that you never miss a notification from us.